हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केवी इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 7। त्रिकोणमिति पर ही आधारित ये एक्सरसाइज है। इससे पहले आपने त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपात 6 त्रिकोणमिति अनुपातों से परिचय करवाया था आपका। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनको शॉर्ट में हम टी रेशियोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टी रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। टी मतलब त्रिकोणमितीय, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, या इसको हिंदी में हम इसको ये भी बोल देते हैं टी अनुपात। ये टी अनुपात है 6, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे करण, ठीक है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे करण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोट थीटा इसका उल्टा, आधार बटे लंब। और सेक थीटा कोस का उल्टा, करण बटे आधार। और साइन कोसेक थीटा इसका उल्टा, साइन का करण बटे लंब। ऐसे ही इनके रेशियोज होते हैं। इसके लिए मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, एल ए एल के ए करके, ठीक है ना। एल ए एल लंब करण, एल लंब है, ए आधार है, के करण है। लंब बटे करण साइन थीटा होगा, आधार बटे करण कोस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा, फिर टेन का उल्टा आधार बटे लंब कोट थीटा, और करण बटे आधार सेक थीटा, और करण बटे लंब कोसेक थीटा होते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सर्व समीकाओं के बारे में। सर्व समीकाएँ यानी कि कुछ ऐसी समीकरणें जो हर जगह लागू होती हैं, उनको सर्व समीकाएँ बोलेंगे। त्रिकोणमितीय समीकरणों को सर्व समीकाएँ कहते हैं। तो देखिए क्या क्या सर्व समीकाएँ आप पढ़ने वाले हैं इसमें। ये साइन थीटा जो होता है, ये कोसेक थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कोसेक थीटा। ऐसे ही कोस थीटा एक बटे सेक थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही जो है टेन थीटा, ये एक बटे कोट थीटा के बराबर होता है। ये सर्व समीकरण, ठीक है। ये कुछ सर्व समीकरण। अब देखिए, इनसे आप कुछ नए रिलेशन भी बना सकते हो। इस तरह से देखो कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तो इन दोनों का गुणा किसके बराबर आएगा? एक। इन दोनों का गुणा भी एक, इन दोनों का भी एक। यानी कि आप लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक। साइन थीटा और उसका अपोजिट एक के बराबर होगा मल्टीप्लाई करें तो। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा ये भी एक के बराबर होता है, ठीक है। तीन सर्व समीकरण ये हो गई, तीन ये हो गई, जो इनसे ही प्राप्त किए गए हैं, जो इनसे ही प्राप्त किए गए हैं। अच्छा जी, और देखिए कुछ सर्व समीकरण आप ये पढ़ेंगे। एक फिक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ये सर्व समीकरण आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनको काम में आएंगी आपके, याद कर लेना। इनसे आप बहुत सारे फॉर्मूले खुद से भी बना सकते हो, जैसे कि यही है, यही सर्व समीका है। इसकी बात करूं मैं यहाँ पे, इसको एक्सपेंड करूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। तो मैं बोलूँ कि मेरे को साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा वन माइनस, इसको उधर भेजो, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या केवल साइन थीटा निकालना हो तो इसका अंडर रूट कर दीजिए, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से आप चाहते हो कि मेरे को कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या केवल कोस थीटा चाहिए तो कोस थीटा बराबर होगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक सर्व समीका से आपने ये बहुत सारे रूप बनाए। ऐसे ही इस एक सर्व समीका से आप बहुत सारे रूप बना सकते हो। देखिए, आप चाहते हो कि भाई हमें, मेरे को वन की वैल्यू चाहिए टेन सेक के फॉर्म में, तो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा?
वन होगा, sec स्क्वायर थीटा टेन को उधर भेजो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, या आप चाहते हैं कि भाई मेरे को केवल sec थीटा चाहिए तो sec थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या आप चाहते हैं कि मेरे को टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो टेन स्क्वायर थीटा निकालो तो वन को उधर भेजो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऐसे इसके ये तीन रूप हैं। इसी प्रकार से इसके भी तीन फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। तो ये मुख्य सरसमीकरण तो ये तीन ही हैं, एक ये एक ये एक ये, कौन सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा बराबर वन, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नोट कर लीजिए इनको, आगे चलते हैं। तो कुछ और आपको बेसिक से जानकारियां मैं दे देता हूँ। कई बार ऐसे लिखा होता है साइन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा, तो इनका मतलब ये है कि साइन थीटा का स्क्वायर है ये, आप इसको ऐसे मान सकते हो कि ये ऐसे है। अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, इसको भी ऐसे लिख सकते हो। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात पे अगर ऐसा स्क्वायर लगा हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात पे, तो आपको कुछ ऐसे भी मिल सकता है साइन थीटा स्क्वायर। तो देखो ये दोनों सेम नहीं है, ये साइन थीटा का स्क्वायर है, थीटा पे स्क्वायर लग रहा है और ये साइन पे स्क्वायर लग रहा है। तो साइन पे स्क्वायर लग रहा है तो आप उसको होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे ये ऐसे है, इसका मतलब ये होगा साइन थीटा इंटू थीटा, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है टेन थीटा स्क्वायर, देन इसका मतलब होगा टेन थीटा इंटू थीटा। इसको आप होल स्क्वायर की फॉर्म में, इनको आप होल स्क्वायर नहीं मान सकते। अगर यहाँ पे थीटा से पहले लगा हुआ है स्क्वायर या क्यूब जो भी है पावर, तो वो इस पूरे साइन के ऊपर पावर मानी जाएगी, समझे। चलिए एक्सरसाइज 7.1 पे चलते हैं। जो बातें मैंने बताई हैं अगर वो याद रखोगे ध्यान रखोगे तो ये एक्सरसाइज करना बहुत इजी है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर वन में बच्चों दिया गया है सिद्ध करो कोट थीटा इंटू प्लस टेन थीटा बराबर कोस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। देखो इसमें आपको थीटा का कोई मान नहीं दिया जाएगा, बस आपको सरल समीकरणों का उपयोग करके इसको सरल करना है, LHS और RHS पक्षों को बराबर करना है। तो मैं LHS पक्ष से पहले सरल करूँगा, LHS पक्ष से आपकी वैल्यू है cot थीटा प्लस टेन थीटा, वैल्यू हमारे पास ये है cot थीटा प्लस टेन थीटा। तो बच्चों सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस की फॉर्म में बदलना सीख लो, ठीक है। कोई भी समीकरण को अगर सरल करना है तो उसको साइन और कोस की फॉर्म में बदल लेंगे। कोट थीटा बराबर होता है बच्चों, ये मैंने आपको बताया नहीं था, यहाँ पे समझ लीजिए, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस थीटा को क्या लिखेंगे, कोट को कोस बटे साइन, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन और साइन एक कोट, टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो टेन की वैल्यू तो होती है साइन बटे कोस, और कोस कोट की वैल्यू होती है कोस बटे साइन, ऐसे लिख लोगे, ठीक है। अब इसका लघुतम करिए, लघुतम इनका इनका ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कोस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा गया। अभी मैंने बताया था चूँकि अभी एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये सर्वसमिका है, तो ये पूरा मान वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चूँकि ये फॉर्मूला है इसलिए ये हो गया वन बाय, ये क्या हो गया, वन बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ओके। आपको इसको ऊपर ले जाना है, वन बाय साइन थीटा, वन बाय साइन थीटा क्या होता है भाई, कोसेक थीटा होता है,
साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ये आ गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये किसके बराबर है? ये आर एच एस के, आर एच एस पक्ष के बराबर है। इति सिद्ध, समझे? सबसे पहले क्या किया मैंने, इस समीकरण के एल एच एस पक्ष को देखा, एल एच एस पक्ष को देखा, मेरे को दिखा कि कोट थीटा और टेन थीटा लिखा हुआ है। फिर मैंने इसको साइन और कोस में बदला, कोट बराबर कोस बटे साइन, टेन बराबर साइन बटे कोस, ऐसा आया। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ही काम कर सकता हूँ, लघुतम लेने का। मैंने लघुतम लिया, ऊपर ये बन गया, ये मेरे को याद आया कि तो एक सरसमीका है, अभी बताई थी, इसकी वैल्यू तो वन होती है, तो इसकी जगह वन रख दिया। फिर मेरे को याद आया कि वन बाई साइन थीटा तो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा लिख दिया, वन बाई कोस थीटा सेक थीटा होता है, सेक थीटा लिख दिया, है ना। अपने से तो पता नहीं चलेगा अपने आप, तो हमें याद करने पड़ेंगे इनके मान कि भाई वन बाई साइन थीटा कोसेक होता है, हमने भी याद किया, ठीक है। ये हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध करना है साइन थीटा बाई कोट प्लस कोसेक थीटा। बराबर हमें इसको सिद्ध करना है 2 प्लस साइन बाई कोट माइनस कोसेक। ये हमें बराबर करना है, ठीक है। तो एल एच एस पक्ष को सरल करिए, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो। पहले आप कौन सा पक्ष लेंगे बच्चों? एल एच एस पक्ष से। तो एल एच एस पक्ष लिया, वैल्यू लिख लीजिए साइन थीटा बाय कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। कोई सर्वसमिका अगर डायरेक्ट लग रही है तो लगा देना, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे तो साइन कोस में बदल देना, इन अनुपातों को साइन और कोस के अनुपात में बदल देना। साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, कोट को क्या लिख सकते हैं भाई, अभी कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, अभी बताया था। ऐसे ही कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है भाई। लघुतम कितना आएगा इन दोनों का, इन दोनों का लघुतम आएगा साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कट गया तो यहाँ बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कट गया तो कितना बचेगा, वन, और ऊपर कितना है साइन थीटा। ऐसे साइन थीटा बाई वन प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस कोस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस कोस थीटा, इतना लिख लेते हैं इसको, इतना ही छोड़ देते हैं, ओके, इतना छोड़ देते हैं। फिर अब आर एच एस पक्ष को सोल्व करके देखते हैं। आर एच एस पक्ष से, आर एच एस पक्ष में आपको टू अलग से दिया गया है ना, और फिर और वैल्यू भी दी गई है आपको, तो टू प्लस साइन थीटा बटे कोट को मैं लिख लेता हूँ कोस थीटा बटे साइन थीटा, और कोसेक को मैं लिख लेता हूँ एक बटे साइन थीटा, ठीक है। टू प्लस इसका भी लघुतम कितना आएगा भाई, इसका लघुतम भी साइन थीटा आएगा, तो ये हो गया कोस थीटा माइनस एक बटे साइन थीटा ऊपर चला गया, तो लघुतम में साइन थीटा था ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका भी लघुतम ले लो एक बार फिर से, कोस थीटा माइनस एक लघुतम आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा टू कोस थीटा माइनस टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा, टू कोस थीटा माइनस टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अच्छा तो ये तो अभी कुछ बराबर आ ही नहीं रहा, चलो एक चीज़ और देखते हैं। टू को मैं मल्टीप्लाई ना करके ऐसे ही लिख देता हूँ, टू इंटू कोस थीटा माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा माइनस वन, इसे लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन, चूँकि ऐसे
तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो ना 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये मैंने 1 माइनस कोस थीटा लिख दिया। ओके, तो भाई 1 माइनस कोस थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो लिख के देखते हैं, 2 इंटू कोस थीटा माइनस 1 प्लस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे आया। अच्छा देखो, ये कोस थीटा माइनस 1 है और ये 1 माइनस कोस थीटा है, तो मैं अगर यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो ये हो जाएगा कोस थीटा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, यानी कि कोस थीटा माइनस 1 बन जाएगा। ये यहाँ से मैं माइनस को ओपन कर दूँ तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं देखूँगा कोस थीटा माइनस 1, कोस थीटा माइनस 1 कॉमन कर लेता हूँ, मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो फॉर्मूला था, इसको तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। तो कोस थीटा माइनस 1 कर लिया मैंने कॉमन, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस 1, कोस थीटा माइनस 1 से ये कट गया। तो बच्चों आपके पास कितना बचा, 2 माइनस 1 1 प्लस कोस थीटा, ये मान आया सरल करने पे 1 प्लस कोस थीटा। ऐसा ही यहाँ पे कुछ करते हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ पे करते हैं। अच्छा ये भी माइनस का हो जाएगा, सॉरी। तो ये बच्चों आपके पास बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, दो में से एक घटाया तो 1 माइनस कोस थीटा बचा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा को वही रख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या रखना है, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख लिया, ये कट गया, क्या बचा आपके पास, 1 माइनस कोस थीटा, आंसर क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा। तो ये देखो LHS की वैल्यू भी 1 माइनस कोस थीटा, RHS की वैल्यू भी 1 माइनस कोस थीटा, तो ये बराबर हो गए, अतः ये सिद्ध होता है कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों सिद्ध होता है कि ये दोनों बराबर है। ठीक है भाई, एक बार ट्राई कर लेना खुद से। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने ये कि सिद्ध करो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1, ये आपको प्रूव करना है। तो LHS पक्ष लिख लीजिए इसका, LHS पक्ष से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो अभी इसको, ये इधर फॉर्मूला बना लो आप, a प्लस बी ए माइनस बी, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ऐसे। ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा था मैंने, कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो, लिख दिया इधर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, एक सर्वसमिका भी आपने पढ़ी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो सेक थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि आपने एक और प्रमेय पढ़ी कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1 होगा, तो ये पूरा 1 हो गया बराबर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना, 1 आंसर आ गया। यही सिद्ध करना था हमें, 1 लेके आना था। ठीक है भाई, देखो इसमें कितनी सर्वसमिका, एक यहाँ पे सर्वसमिका लगी, फिर यहाँ फॉर्मूला लगाया, सर्वसमिका का यूज़ किया, फिर उसको भाई आपने
मल्टीप्लाई किया, फिर सरसमी का यूज़ किया, वो तीनों मैंने वहाँ पे नोट कर दिए। ठीक है भाई, समझो इसको, नोट करिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार में लिखा है सिद्ध करो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा बराबर है cos थीटा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS पक्ष को सरल कर लीजिए। LHS पक्ष से sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, ये है। बच्चों इसको साइन और कोस में बदलना सीख लो। साइन कोस में बदल लो, sec बराबर होता है वन बाई कोस, tan बराबर होता है साइन बाई कोस, ओके, एंड वन माइनस साइन थीटा इसको ऐसे ही रहने दो। कोस थीटा ये हो गया वन प्लस साइन थीटा, ओके, इंटू वन माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, अच्छा देखो फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ध्यान रखना है आपको कहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है। क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में एक कोस थीटा है। फिर यहाँ पे सरसमीका लगेगी, सरसमीका क्या लगेगी भाई, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के, इसलिए ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, कोस से एक पावर कट गई, बराबर क्या बचा कोस थीटा, बराबर क्या बचा भाई कोस थीटा। ये है RHS, ये है RHS, यही प्रूव करना था आपको। ठीक है ना, ओके समझ लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा ये मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा था यहाँ पे, ये थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अभी मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये एक्सरसाइज, सॉरी मैंने मिस्टेक से ना ये एक्सरसाइज समझ के क्वेश्चन कराए हैं आपको, ये लिखे हुए थे वैसे। तो अभी आप एक्सरसाइज 7.1 पे आ जाइए। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये कह रहा है कि थीटा के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को, थीटा के लिए कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त करो। sec थीटा